नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण गरसा स्वागत करता हूं आपका गरसा एजुकेशन पॉइंट में। और जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देखा, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जो बीएसएफ एचसीआरओ और रेडियो मैकेनिक के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 22 सितंबर को, उनसे रिगार्डिंग अपन 40-40 क्वेश्चन के मॉडल पेपर कर रहे हैं। ये उसका 5वां पार्ट है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो में जो भी मैं आपको क्वेश्चंस के इस बार जो न्यूमेरिकल के लिए बार बार कमेंट्स में बोल रहे थे कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल करवाइए, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। और इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ही मस्त है और आपको पढ़ के मज़ा आने वाला है दोस्तों। अपन जो न्यूमेरिकल डिस्कशन करने वाले हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, लगातार जो 5 और 6 वीडियो में डालूंगा वो दोनों ही न्यूमेरिकल बेस होंगे। तो मैं चाहूँगा कि ये पिछले वाले वीडियो से ज़्यादा हिट करें और ज़्यादा इस पर लाइक हो और मज़ा आ जाए कमेंट करके आपको भी। और जो भाई कमेंट में वो जो क्वेश्चंस के लिए बोलते हैं ये क्वेश्चन गलत है वो गलत है, तो वो प्लीज़ एक बार बोलने से पहले गूगल करके देख लें, फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि कौन से ऑप्शन में क्या मिस्टेक है तो फिर हम कंसीडर करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हमारा चैनल आपके लिए जो बीएसएफ या जो भी आपकी भर्ती प्रोसेस है रेलवे से रिलेटेड, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलो वीडियो शुरू करते हैं और अपन क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आज आपको पेपर सोल्व करके मज़ा भी आने वाला है और आप कमेंट में हमें बताने भी वाले हैं कि आपका स्कोर क्या हुआ। और ये देखिए दोस्तों, दो प्रतिरोध जो क्रमशः हैं 10 ओम और 20 ओम के हैं, जो समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 20/3, 3/20 ओम, 15 ओम और 30 ओम। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला बताया था, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला था दोस्तों, 1/R = 1/R1+R2। तो यहाँ पर जो ये मान रखने पे अपन सोल्व करते हैं इसे, तो ये देखिए दोस्तों ये आपका हो जाता है 1/R = ये हो गया आपका 3/20। तो R = ये R इक्विलेंट आपका, तो ये हो गया 20/3। तो ये न्यूमेरिकल आपका फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसी प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन है आपका दोस्तों, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र में x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवीय तल होगा, विभव कौन से तल में होगा दोस्तों? ये तो समविभवीय पृष्ठ होगा इसका दोस्तों, एक्स वाई तल में, वाई जेड तल में, एक्स जेड तल में, नन ऑफ दीज। तो एक्स एक्स का है वो वाई जेड में होगा दोस्तों, अगर वाई जेड का होता एक्स वाई एक्स का होता तो एक्स जेड में होता और जेड एक्स का होता तो एक्स वाई में होता, लेकिन एक्स एक्स का है तो समविभवीय तल वाई जेड तल में होगा। अगर कोई आवेश किसी बंद सतह के बाहर रखा जाए तो विद्युतीय फ्लक्स होगी, कोई बंद सतह उसके बाहर आवेश रखा तो उसकी विद्युतीय फ्लक्स कितनी होगी? 4π गुणा होगी, 1/ε गुणा होगी, 0 होगी या 4π, 1/4π गुणा होगी? तो दोस्तों 1/ε गुणा होगी, ये आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है दोस्तों। हमारा चौथा क्वेश्चन आज का दोस्तों, एक बिंदु आवेश क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान कितना होगा? विद्युत विभव का मान पूछा है 1/4π0 q/r, 1/4π0 q/r² नन ऑफ दीज, 1/4π q/r। तो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर होता है फर्स्ट वाला, यही आपको न्यूमेरिकल की फॉरम में पूछ सकता है, क्यू की वैल्यू दे देगा और आर की वैल्यू दे देगा, यहाँ पुट करो और ये आंसर फाइंड आउट करो, तो ये आपका न्यूमेरिकल हो जाता है दोस्तों। शुरू के क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं, बाकी एवरेज है, पेपर का लेवल अच्छा रहने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो को देखें और अच्छे से समझें, ऐसे ही क्वेश्चन आपके वहाँ देखने को मिलेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी आवेशित चालक के सतह बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है? ε0 σ, σ/ε0 0 या σ/2ε0
तो ये यहाँ पर राइट आंसर होता है दोस्तों, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ये इसका विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है, ये तो आप सभी को पता ही होगा, चलो फिर भी देखते हैं, आवेश, धारिता, विद्युतीय क्षेत्र और विद्युत धारा। तो निम्न में से सदिश राशि का मतलब होता है जिसकी दिशा हो, तो इसमें से विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है दोस्तों, और किसी की भी यहाँ पर दिशा नहीं होती है, दिशा और एक निश्चित मान होना चाहिए उसके लिए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻¹⁸, 6.25 × 10⁻²⁵ तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको सीधा याद रखना है 6.25 × 10⁻¹। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किसी वस्तु का वेग v = 2t² + 4t + 5 से प्रदर्शित करते हैं तो वस्तु का त्वरण कितना होगा यदि t = 3 सेकंड। ये ऑप्शन, ये आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों, तो इसको समझिए। यदि हमें वेग दिया और त्वरण पूछा तो त्वरण होता है दोस्तों वेग का अवकलन dv/dt। अगर हम इसका अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा 4t + 4, और 5 का होता है कांस्टेंट, कोई भी राशि उसका 0। अब यहाँ पर टी की वैल्यू को रख देंगे टी, तो ये राइट आंसर हो गया 16 m/s². ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, त्वरण का होता है दोस्तों ये। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों आज लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, तो आप क्वेश्चन सोल्व करते जाइए और कमेंट करके बताइए आपके कितने सही हुए, और आप कंप्लीट वीडियो देखिए। यदि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर 10 वोल्ट है तथा उसका प्रतिरोध 2 ओम है तो उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा ज्ञात करो। तो ये है दोस्तों ओम्स लो के v = IR होता है। तो हमें पूछा क्या है, धारा पूछी है यानी I पूछा है, तो v / R तो 10/2 = 5 एम्पियर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5 एम्पियर, यहाँ पर राइट आंसर है v = IR, याद रखना है ओम्स लो के तहत। अगर साबुन के बुलबुले को आवेशित किया कर दिया जाए तो इसकी त्रिज्या घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य होती है, तो बढ़ जाती है दोस्तों। जब किसी बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है यानी उसका आकार बढ़ जाता है। आपको 3 प्रतिरोध जो 1 ओम उनका मान है दिए गए, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों हमें पता है 3 ओम को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये तो होगा 3, लेकिन ये न्यूनतम नहीं है दोस्तों। अगर उन्हीं 3 प्रतिरोध को अपन समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, और r = 1/3। तो यहाँ पर 1/3 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि समांतर संयोजन है, श्रेणी क्रम होता तो आपका 3 राइट आंसर होता, जो आपको प्रतिरोध का सूत्र आपको बता दिया गया है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, यानी जो चालक होता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति करते हैं, यूनिफॉर्म यानी समरूप गति करते हैं, एक्सेलरेट त्वरित गति करते हैं, ड्रिफ्टिंग अपसरित गति करते हैं, डिक्लेरेटेड मतलब एक्सेलरेटेड का उल्टा होता है डी एक्सेलरेटेड। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ड्रिफ्टिंग यानी अपसरित गति करते हैं चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन। ये वापस आपका न्यूमेरिकल है दोस्तों। एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर सूत्र होता है विभवांतर के लिए v = E - IR। तो यहाँ पर E है आपका वोल्टेज 1.5, माइनस I है आपकी धारा 1 एम्पियर, प्रतिरोध है आपका 0.5। तो इसको सोल्व करने पर दोस्तों 1 वोल्ट यानी 1 वोल्ट आपका राइट आंसर है यहाँ पर दोस्तों। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला था वोल्टता का जो आपको याद रखना है दोस्तों। ये आपके न्यूमेरिकल हो रहे हैं, थोड़े टफ हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही लेवल आता है दोस्तों। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होगी आधी हो जाती है, दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है या
स्थिर रहती है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दो गुना हो जाता है, क्योंकि हीट का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। तो यहाँ पर प्रतिरोध को आधा कर दिया गया है, तो यहाँ पर एक बटा दो करेंगे तो ये दो ऊपर चला जाता है, तो दो गुनी हीट हो जाती है, यानी दो गुना। ये आपका न्यूमेरिकली था, जो थ्योरी बेस में था ध्यान से देखने पर फॉर्मूला है H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू टी। जब कोई इलेक्ट्रॉन समविभव क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाता है तो कार्य, एक समविभव क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश है उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य इलेक्ट्रॉन पर कार्य होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य किया जाता है, अनंत कार्य कोई कार्य नहीं। तो समविभव क्षेत्र अगर समान विभव क्षेत्र है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। आज का दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यही है, अगर इस टाइप से आपको डायग्राम दिया और इनके तुल्य प्रतिरोध पूछे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों आपका समांतर क्रम संयोजन है, और समांतर क्रम संयोजन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था वन अपॉन में आर इज इक्व टू वन अपॉन में आर वन, वन अपॉन में आर टू प्लस वन अपॉन में आर थ्री। यहाँ 5, 10 और 20 के मान रखेंगे और इसे जैसे ही सोल्व करते हैं मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप सोल्व करके देख लीजिएगा, फॉर्मूला आपको बता दिया गया है। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों 20 अपॉन में 7 ओम, इसे सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको एक गेट दिया गया है, पहले तो ये आपको पहचान में आना चाहिए कौन सा लॉजिक गेट है, ये दोस्तों एंड गेट है, निमन डायोड में वाई बराबर होगा, एंड गेट के लिए वाई इज इक्व टू ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल बार ए माइनस बी। तो यहाँ पर एंड गेट के लिए होता है दोस्तों ए डॉट बी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, कुलाम न्यूटन वोल्ट न्यूटन कुलाम इनवर्स। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन कुलाम इनवर्स। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो संधारित्र C1 और C2 श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो उनकी तुल्य धारिता होगी, सी इक्विलेंट बराबर C1 प्लस C2, C1 माइनस C2, C1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2। तो मैं आपको बता दूं, ये श्रेणी क्रम में धारिता वाला जस्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है दोस्तों, जो प्रतिरोध में समांतर क्रम में होता है वो धारिता में श्रेणी क्रम में होता है, और जो धारिता में समांतर क्रम में होता है वो प्रतिरोध में श्रेणी क्रम में होता है। तो आपका ये राइट आंसर होगा दोस्तों 1 अपॉन में C इक्विलेंट प्लस 1 अपॉन में C1 प्लस C2। यहाँ C1 C2 की वैल्यू देके ये न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है आपका। जैसे ही अगला ही क्वेश्चन है दोस्तों, दो संधारित्र जिनकी धारिता 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड है तो उनकी तुल्य धारिता होगी यदि वे समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो समांतर क्रम में संयोजित हमने ऊपर फॉर्मूला देखा दोस्तों, 1 अपॉन में 6 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 1 अपॉन में 6 1 अपॉन में C, ये लिया तो 2 प्लस 1 1 अपॉन में C, और ये 1/2 तो C इज इक्व टू 2 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका 2 माइक्रोफेरेड दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी दोस्तों, ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश ने, डाल्टन ने, जोसेफ ब्लैक ने, विलियम सीले ने। तो मैं आपको बता दूं, विलियम सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की थी, डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था, तो जोसेफ ब्लैक यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, साल्टपीटर का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रेट नाइट्राइट ट्राई नाइट्रेट और नन ऑफ दीज। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है दोस्तों कि नाइट्रेट का जो साल्टपीटर का रासायनिक नाम नाइट्राइट है, जिसे KNO3 कहते हैं दोस्तों, जिसका रासायनिक नाम नाइट्राइट है और साधारण नाम साल्टपीटर है। 6C12 परमाणु में क्रमशः न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 6 6। अब आप कहोगे कि निकाली कैसे, तो न्यूट्रॉन की संख्या होती है दोस्तों परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक 6, और ये जो आपकी संख्या होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है, यानी 6 और 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमेशा बराबरी होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
आपका ये अलग हो सकता है, तो न्यूट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या, तो यहाँ पर आपके न्यूट्रॉन है 6 और प्रोटोनों की संख्या का सूत्र है ये यहाँ पर, तो ये प्रोटोन की संख्या 6। अश्रु गैस कहा जाता है एसिटोफिनोन को, क्लोरो एसिटोफिनोन को, नाइट्रेट को, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो दोस्तों यहाँ पर अश्रु गैस आपको किस में कहा जाएगा, एसिटोफिनोन, क्लोरो एसिटोफिनोन, नाइट्रेट और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ क्लोरो एसिटोफिनोन को अश्रु गैस कहा जाता है दोस्तों। 25 का HNO3 का मोल द्रव्यमान कितना है, जिसे अणु भार भी कहते हैं। तो HNO3 के लिए हाइड्रोजन का हमारा दोस्तों है 1 प्लस, नाइट्रोजन का है 14 प्लस, ऑक्सीजन का 16 × 3, क्योंकि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये देख लीजिए 15 प्लस 48, तो ये हो गया आपका 63। ये यहाँ पर राइट आंसर है मोल द्रव्यमान के लिए। 4 मोल एल्यूमिनियम का द्रव्यमान अपन को ज्ञात करना है दोस्तों। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। तो अपन को ये 4 मोल का पूछा है, तो परमाणु क्रमांक से मल्टीप्लाई करने पर उसका द्रव्यमान आ जाता है दोस्तों, ये आपके सामने ये रहा 108 ग्राम। ये आपके न्यूमेरिकल हैं, जो आप 2-3 बार वीडियो को देखोगे तो आपके रिवाइज हो जाएंगे, और आप बार बार कह रहे थे कि न्यूमेरिकल करवाओ, न्यूमेरिकल करवाओ, तब ये न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ। ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को कहा जाता है क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु, हेलोजन तत्व, कार्बन फैमिली। तो फर्स्ट ग्रुप के तत्वों को क्षारीय धातु कहा जाता है दोस्तों, और सेकंड ग्रुप के तत्वों को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। रोल्ड गोल्ड में सोना कितने प्रतिशत होता है, तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सोना कितने प्रतिशत होता है, 10%, 20%, 0%, 90%। तो रोल्ड गोल्ड का मैं बता दूं, इसमें सोना होता ही नहीं है दोस्तों, ये भी एक मिश्र धातु है जो कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, जिसमें कॉपर 90% होता है और एल्यूमिनियम 10% होता है दोस्तों। जैसे जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि क्या सर जर्मन सिल्वर के तो नाम में ही सिल्वर है, तो इसमें सिल्वर कैसे नहीं है। वो भी एक मिश्र धातु थी कॉपर, जिंक और निकल की, और ये भी कॉपर और एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, रोल्ड गोल्ड, जिसमें गोल्ड 0% होता है दोस्तों। आधुनिक आवर्त सारणी में है 18 स्तंभ 6 पंक्तियां, 7 स्तंभ 18 पंक्तियां, 7 स्तंभ 7 पंक्तियां और नन ऑफ दीज। तो जो अपनी आधुनिक पीरियोडिक टेबल है उसमें दोस्तों 18 स्तंभ, स्तंभ होते हैं जो खड़े वाले ऐसे, तो ये आपके 18 स्तंभ है, और ऐसे वाले पंक्तियां आपकी 7 पंक्तियां हैं। तो दोस्तों याद रखना है, आज का 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, यह किसने बताया, न्यूटन ने, लेवोजियर ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, डाल्टन ने। तो दोस्तों ये बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अपना इक्वेशन दी थी E=mc², जो मास है और ये एनर्जी, ये आपस में एक दूसरे में चेंज किए जा सकते हैं, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। लोनार झील कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। ये आपके जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, तो लोनार झील आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, हिमालय पर्वत श्रृंखला ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, या वलित पर्वत का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों वलित पर्वत का उदाहरण है। आप भी अपने क्वेश्चन लगाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आज आपके कितने सही होते हैं। पहले तो 30, 32, 35 के बीच में बहुत से बंदे सही कर रहे थे, आज देखते हैं कि कितने बंदों के सेल्फ से सही होते हैं। बाकी ईमानदारी आपके हाथ में है, वीडियो को कंप्लीट देखें और लास्ट में डे ऑफ क्वेश्चन का भी आंसर दे के जाएं। संसार की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी, तो ये दोस्तों भारत की, श्रीलंका की, इज़राइल की या पाकिस्तान की। तो दोस्तों संसार की सबसे पहले श्रीलंका की महिला प्रधानमंत्री बनी थी सीमेरो भंडार नाइके, और भारत की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आपको पता ही है, और पाकिस्तान अगर मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री पूछे तो बेनजीर भुट्टो मुस्लिम देश की पहली आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति को राज्यपाल करता है दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, कभी नहीं प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यहाँ पर देखते ही राज्यसभा, देखते ही 6 वर्ष मत ठोक देना दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी या डांडी, कोई भी एक ऑप्शन में दे सकता है, मार्च किसका हिस्सा था? डांडी मार्च क्या था? वो ऐसे योग आंदोलन का हिस्सा था या स्वशासन लीग का हिस्सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था या भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था? तो दोस्तों आपको बता दूं, ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था डांडी मार्च। सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास 2019 जो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, किन दो देशों के बीच हुआ? भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और श्रीलंका, रूस और भारत। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है, भारत और सिंगापुर के बीच ये युद्ध अभ्यास हुआ था। आज का हमारा 38वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 3 नवंबर और 5 नवंबर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 2019 में हुए थे, उनका आयोजन कहाँ किया गया था? पुणे महाराष्ट्र में, झज्जर हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो पुणे महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 25 जनवरी 2019 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है करंट जीके में। पहला प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, या तीनों को? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों, तीनों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 25 जनवरी 2019 को। कल का हमारा जो क्वेश्चन ऑफ डे था दोस्तों, वो मैंने पूछा था दूध को दही में बदलने का किस बैक्टीरिया का यूज किया जाता है? तो ज़्यादातर लगभग 99% बच्चों ने सही आंसर दिया था दोस्तों, वो लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है दोस्तों। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ डे है ये, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, इसमें ज़बरदस्त कन्फ्यूजन होने वाला है, ढेर सारे आंसर आने वाले हैं, कॉन्ट्रोवर्सी होने वाली है, मज़ा आने वाला है। रेडियो एक्टिविटी, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेकुरल ने, जे जे थॉम्सन ने, डोल्टन ने, किसने की थी? तो आप बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ दोस्तों। और ये आपको वीडियो न्यूमेरिकल वाला सेशन कैसा लगा आप ये भी ज़रूर बताइएगा, और जो भी है अपन चर्चा करते रहेंगे, आप कमेंट करते रहिए, मज़ा आने वाला है। और जब तक अपना 22 सितंबर को एग्ज़ाम होगा, अपन और वीडियो करेंगे और खूब इंजॉय करेंगे दोस्तों, एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी में लग जाओ। और इस वीडियो को 2-3 बार आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड पार्ट था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, और थैंक यू दोस्तों।